रायबरेली में एक शख्स भ्रष्टाचारियों से परेशान होकर धरने पर बैठ गया। बताया जा रहा है कि भ्रष्ट कोटेदार जांच में दोषी पाया गया, बावजूद इसके अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में शख्स कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गया। इधर एसडीएम से लेकर जिला पूर्ति अधिकारी और जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव ने काफी देर तक उसे समझाने की कोशिश भी की, पर मांग है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती वो हटेंगे ही नहीं। पहले बात सुनो, तो तुम 46-46 साथ में आए हो, जिसने भी अधिकारी ने जांच की, अधिकारी ने जांच की होगी ना, अधिकारी ने भी जांच रिपोर्ट की, उस जांच रिपोर्ट के ऊपर आप सहमत नहीं है, दो ही चीज होती है। मामला ये है कि हमारे यहाँ ग्राम सभा जिगना में कोटेदार ने अंगूठा लगवा करके केवल तेल नमक चना दे दिया, और उसके बाद राशन देने की बाद में कही, और राशन जनवरी माह का कोटेदार ने आज तक जब नहीं दिया था, तो हम जो पूर्व डीएम साहब थे इनसे मिलने आए, करीब 60 लोग, इनसे मिल करके हमने भी शिकायत किया। डीएम साहब ने एक कमेटी एसडीएम साहब की देख रेख में दर्ज गठित कराई, वो पूरी टीम गांव पहुंची, गांव में जांच किया, 62 लोगों ने बयान दर्ज करवाया कि हमको राशन नहीं मिला, नमक तेल मिला है। उसके बाद जो है डीएसओ साहब और शक ऊँचा हार, इन्होंने अपनी आख्या डीएम साहब को प्रस्तुत किया। जो है मामला यह है कि ग्राम सभा जिगना से शिकायत मिली कि कोटेदार ने गेहूं चावल नहीं दिया है कार्डधारकों को, उसके लिए एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार, एआरओ, सप्लाई इंस्पेक्टर, मैं उस ग्राम सभा में जाके जांच की। लगभग 200 लोगों का बयान लिया गया, जिसमें 46 लोगों को छोड़ करके 164 लोगों ने यह बयान दिया कि हमें गल्ला, नमक, चना, तेल सब मिला है। 46 लोगों ने कहा कि हमें नमक, चना, तेल मिला है, गल्ला नहीं मिला है, जबकि मशीन पे अंगूठा का निशान उनका लगा है, वितरण रजिस्टर में भी गल्ला का पाने का उन्हें अंगूठा लगवाया है। मामला